लग रहा था कि भाई ये सारे एक साथ हैं, मेरे बंदे थे कम से कम जो है ना, ऑडियंस आई हुई थी 1000-2000 बंदा, वो कह रहे हैं लोग, क्योंकि होंगे भाई जिस तरह की वीडियोस आएंगी ना 2000 बंदा लाजमी होगा। इधर पार्टी वाले, उधर मेरा बंदा, पब्लिक आई हुई थी। अब वो दोनों जब मिक्स हुए तो पुलिस वाले ने बोला यार इतना बड़ा क्राउड, ये तो फिर वो नफरी और आई और मामला खराब। अब उनको क्या पता यार, हम मतलब मीटअप था हमारा और हमें भी नहीं पता था कि इस तरह जलसा हो जाएगा, पुलिस वाले आ जाएंगे, वरना मैं सबको मना कर देता कि भाई मत आओ, छोड़ दो मत आओ। लेकिन काश यार उस दिन हालात खराब ना हो। कराची चल आके देख किसका जोर है कराची। यार हारिस भाई तुम्हारा मीटअप क्या, कोई भी आवाम ऐसी भाग रही है, दफा 144 लग गई है यार। क्या करूं मुझे बताओ, तुम लोगों से मिलो, मीटअप का रखूं फिर से, तुम लोग आओगे या नहीं आओगे मुझे नहीं पता, तुम लोग बताओ यार, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हूँ या बहुत ज़्यादा मेरा दिल दुखा है आप लोगों से। नहीं आप लोग आए हो भाई, भर दिया तुम लोगों ने, और सुबह मिलता है भाई, मुझे फिर से नींद आ गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन मैंने भी तो सच्चे दिल से चाहा था आप लोगों से मिलने का, फिर मैं आप लोगों से क्यों नहीं मिल पाया? ये शाहरुख भाई गलत हो सकते हैं या फिर हमारे मीटअप में कोई मसला हो सकता है। कुछ वजूहात थी जो मैं बताता हूँ आप लोगों को। काश यार उस दिन हालात खराब ना होते। हालात तो खराब होने थे ना, दफा 144 जो लग गई थी भाई उस दिन। पर भाई अक्सर लोग ये सोच रहे हैं कि इनका जो मीटअप फ्लॉप हुआ है ना, वो इस वजह से हुआ है कि वहाँ पब्लिक नहीं आई। भाई तुम लोगों को दो वीडियोस दिखाऊंगा, एक मीटअप से एक इतवार पहले की वीडियो जो हम लोकेशन देखने गए हुए थे, पहले वाली वीडियो देख लो तुम लोग। भाई कुछ लोग तो बोल रहे थे कि ये जगह इतवार को वैसी फुल होती, तुम अपना मीटअप कर रहे हो मतलब लोग पहले से होंगे, तुम बोलोगे हमारी पब्लिक थी। भाई इतवार का दिन है, 6 बज रहे हैं, ये मेरे लड़के हैं भाई, ये सारे मेरे लड़के हैं, कोई रश नहीं है। मैं बताऊंगा तुम लोगों को रश होता क्या है। 13 अक्टूबर को मिलेंगे इसी पार्क में। इस जगह देख लिया तुम लोगों ने कितने सन्नाटे थे वहाँ पे, तुम लोग आराम से फुटबॉल खेल सकते थे वहाँ पे, बात तो सही है। और जरा मीटअप वाले दिन की वीडियो लगाना यार, जरा देखो वहाँ कितनी पब्लिक थी। सुबह से हमें लग रहा था कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, मना करें या बुलाएं, मना करें बुलाएं, लेकिन हमने बोला अल्लाह मालिक के जो होगा देखा जाएगा। हम भी पहुंच गए थे, फिर आप सबके सामने ये मामला हुआ और इस लड़के को बॉल लग गई, इसने एक कड़क गाली दी उन लोगों को, लेकिन उसकी हेल्प भी कर रहा है, देख रहा है बॉल उठा के वापस दे रहा है। भाई दूसरी बात ये कि मुझे ये बताओ, इतने सारे जो तुम मैसेज कर रहे हो कि भाई क्या सीन है, नेक्स्ट मीटअप का क्या डेट है, क्या है, भाई तुम लोगों को लगता है कि मैं मतलब मैं तुम लोगों से मशवरा ले रहा हूँ कि मुझे करना चाहिए मीटअप, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि यार एक दफ़ा तो हादसा हो गया हमारे साथ और मतलब मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ यार, सीरियस बात है, मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ कि यार पब्लिक ने एक दफ़ा भरोसा किया, यार मैं आया था सीरियस में, मैं आया था, मेरा बहुत दिल कर रहा था आप लोगों से मिलने का लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन मुझे अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये भर दो कि भाई मीटअप की डेट दे दो आप, हम लोग हाजिर हैं। अगर तुम लोग हाजिर हो गए ना, मैं यकीन करो मैं डेट दे दूंगा कि भाई करना है, लेकिन लोकेशन इस बार चेंज करेंगे, उस लोकेशन पे अब दोबारा कभी नहीं जाना हम लोगों ने। अच्छा एक वीडियो उनमें से ये वाली भी थी कि यार ये कौन से मीटअप में बुला लिया, जरा देखना ये वाला सीन। भाई भारी तादाद में फायर हो रहा, कौन सा मीटअप में बुला लिया? मेरा वक्त तेरी हर घड़ी खौफ है। कारोबारी लोग हैं, देख रहे हो, मजदूर लोग हैं, 30,000 की सैलरी पे काम करने वाले लड़कों के पास मीटअप के टाइम गार्ड के पैसे नहीं थे। मैंने इस बंदे को बोला क्या तू मेरी मदद करेगा, इससे फिर मुझे बोला कि यार एक आउटर है वो वाला, मतलब ये उठाना है और जाके फिटिंग करनी है, तो अगर तू ये करेगा तो फिर मैं तेरा गार्ड बनने के लिए तैयार हूँ। ये वाला जो व्लॉग है ना, वो इसी वजह से कि भाई तुम लोग बताओ हमें क्या करना चाहिए, हमें डेट देनी चाहिए, तुम लोग आओगे फिर से मिलने के लिए, क्योंकि तुम लोगों की वजह से मुझे ये सब करना होगा दोबारा। और बहुत लोगों के कॉमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज मेरा डीएम तो यार इतना, मैं यूं कर रहा हूँ मैसेज, यूं कर, कम से कम अगर तुम 5 मिनट तक यूं करते रहोगे ना, मैसेज है, सब मैसेज है, ये 2 दिन का मैसेजेस है। तो जिन लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा वो ये वजह है कि यार इतना मैसेज है, मैं किस किस को रिप्लाई करूँ। तो भाई तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में हमें क्या करना चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि इस बात का आप क्रेडिट ले लो कि ये जो ट्रैफिक जाम हुआ ये आपकी वजह से हुआ। मैंने बोला डंडे,
बाकी बदल लिया साला। हमने तो मीटअप करना था, मिलना था एक दूसरे से, बस मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं चाहिए क्रेडिट। अच्छा ये अगर कोई और होता ना तो फिर बोलता देखो ट्रैफिक जाम कर दिया, मैंने बोला था तो ये तो वो थे। नहीं भाई पहले पता होता हम पहले ही कैंसिल कर देते, एक हफ्ता पहले ही बता। हाँ सीरियस में अगर हमें पता होता कि ये मामला होना है, हमें सुबह पता चला है भाई, हमें सुबह पता चला था, दो से तीन बजे तक पता चला था शायद हमें ना। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। मेरा वक्त तेरी हर घड़ी खौफ है, चैट पे हार्ड है तू, तेरे जैसे बहुत है, हमारे जैसे लड़के मार्केट में शॉर्ट है, मैं तुझे डिस करूं खाता द नेक्स्ट डे। इसको बुखार, अरे बुखार नहीं है। सारे मसलों के बाद तबीयत साइड पर बैठ के देख ली, देखिए जब इतने सारे मसले हो गए तो मैं क्यों पीछे हटूं, तबीयत भी खराब हो गई, पूरा दिन बीमार, ड्रिप लगी, कमर में दर्द। मैं अभी बीमारी में कोई चीज अच्छी नहीं लगती, अभी पीछे एक आंटी लाइन दे रही थी, मतलब तुम लोगों की वजह से मैं आज बिस्तर पे हूँ। नरम मुझे नहीं चाहिए लाइन, मैं वहां से कट गया ना, अबे इतने कमजोर इन्हीं की वजह से तो हुए हम लोग। नहीं गाऊंगा चलिएगा। ये तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये भर दो कि भाई मीटअप की डेट दे दो आप, हम लोग हाजिर हैं। अगर तुम लोग हाजिर हो गए ना, मैं यकीन करो मैं डेट दे दूंगा कि भाई करना है। हाथ पांच छोटे हाथ पांच सुनो एहतराम से, कहना चाहिए लाख बार। हाथ पांच छोटे हाथ पांच नहीं पूरा गैंग, मैं ही तेरा पूरा खाबान।